हेलो बच्चों, सो 3.8 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है? इसमें दो सब क्वेश्चन है, ठीक है। और एक में दिया ये है कि जो डायामीटर है स्फीयर का वो 28 सेंटीमीटर है। तो बच्चों एक स्फीयर दिया है, ठीक है। आपके लिए मैं पहले क्वेश्चन रीड कर लूँ। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायामीटर 28 इन द फर्स्ट केस एंड इन द सेकेंड केस डायामीटर इज 0.21 मीटर। ओके, अब दोनों में ही हमें क्या फाइंड करना है, ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। अच्छा, जब कोई भी स्फेरिकल बॉडी कहीं पर भी इंसर्ट होगा तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा वो फाइंड करना है। यानी बेसिकली आपको ये फाइंड करना है कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना है। कोई भी बॉडी उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा जितना उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। ये बेसिक है इसका। तो लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है अगर, तो फार्मूला तो आप जानते ही हो, है कि नहीं। इनका फार्मूला जो दोनों केस में होगा वो होगा 4/3 πr³। यानी हमें क्या चाहिए, हमें आर चाहिए। हमें डायमीटर से कोई काम नहीं, हमें रेडियस चाहिए होगा। तो अगर डायमीटर दिया तो रेडियस क्या होता है बच्चों, 28/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, करेक्ट। ओके, सिमिलरली जो दूसरा केस है उसमें रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेडियस हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, दैट इज़ 0.21/2 मीटर। यहाँ पर मैं ये चीज़ को ऐसे ही रहने दूंगा, 0.21/2 मीटर, बराबर। इसे मैं फर्दर कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रख के ऐसे छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम होगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगा लिया, 4/3 πr³, दैट इज़ 4/3। पाई का जो वैल्यू है वो हमारा 22/7, ठीक है बच्चों। और ये आ जाएगा 14 × 14 × 14 14। अब ये 7 1s 7 2s हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 को तो आप कट कर नहीं पाओगे, तो आप एक काम करो, ये सबको मल्टीप्लाई कर देना। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे 3 होगा, ये 4 × 22 × 2 × 14 × 14, ये सबको मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, तो 3 होगा। तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, a/3 cm³। तो आंसर आपका फ्रैक्शन में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, तो फाइनल आंसर ज़रूर लिख देना, ठीक है बच्चों। फाइनल आंसर के लिए मैं वेट करूँगा कि आप क्या फाइनल आंसर लिखते हो। सेकेंड केस जो है इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई कर देते, वॉल्यूम 4/3 πr³। तो 4/3 22/7 ×, अब नेक्स्ट हम कैसे करें बच्चों इसको, तो ये 0.21 by 2 × 0.21 by 2 × 0.21 by 2, ठीक है। थोड़ा इसे अच्छे से लिख लिया हम लोग, तो 4/3, मैं सिर्फ रीराइट कर रहा हूँ उसको, 22/7 × 0.21 by 2 × 0.21 by 2 × 0.21 by 2। मैंने सिर्फ ये स्टेटमेंट को रीराइट किया बच्चों, ठीक है, ताकि थोड़ा वो एक साथ स्पेस में फिट हो जाए। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कट कर देते हैं, 7 1s और 7 तो 3s होता है, लेकिन ये 0.3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 को आप इससे कट कर दो तो ये 0.1 हो जाएगा। ये 2 2s 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो बच क्या रहा है, 22 × 0.1 × 0.21 × 0.21, ठीक है बच्चों। अब बेसिकली आप इसे ऐसा कर सकते हो, 22 × 1 × 21 × 21। तो आपने कुल कितने पॉइंट शिफ्ट किए, एक पॉइंट यहाँ से, 2 और 2 यहाँ से 4, 4 और 1 5, तो ये 1 2 3 4 5, ऐसा भी कर सकते हो। अब ऊपर जो है आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, बराबर है, डैट इज़ 22 × बराबर ना, ये आप सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब ये ऊपर जो सब मल्टीप्लाई होगा, और ये जो पॉइंट है बाद में पॉइंट आप प्लेस कर सकते हो, तो कुछ आंसर आपका ऐसा आ सकता है, 4851 अपॉन, ये आप अलग से मल्टीप्लाई करके देख लेना, 22 × 21 × 22 × 21 × 21, ये मल्टीप्लाई करके देख लेना, और नीचे आपका है, ठीक है। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा आराम से, जो भी डिवाइड करके आ जाएगा एक फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। हेलो, सो 13.8 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब इसमें क्या दिया मालूम है, ये एक मेटालिक बॉल है बच्चों, ठीक है। ये एक मेटालिक बॉल है, मेटालिक स्फीयर है, जिसका डायमीटर है 4.2 मीटर, तो उसका मैंने रेडियस ले लिया 2.1 सेंटीमीटर, करेक्ट बच्चों, ऐसा दिया है। और इसका जो डेंसिटी है
इसका जो डेंसिटी है वो है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हमें फाइंड करना है उसका मास। ठीक बच्चों, तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दूं, जो मास है बराबर, मास जो होता है ना बच्चों वो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बराबर। ये आपने अपने लोअर क्लास में फिजिक्स में ज़रूर किया होगा, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब ये जो डेंसिटी दिया है वो है 8.9 बराबर इनटू, और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसका, तो ये मेटालिक स्फीयर का, मेटालिक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका 89/10 भी लिख सकते हैं उसको, इजंट इट करेक्ट। और ये 4/3 एज इट इज़, इसे 22/7, और आर कितना है, तो ये 2.1 बराबर इंटू 2.1 इंटू 2.1 करेक्ट। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो जाते हैं, तो ये 7 वन जा, ये 7, ये 0.3 जा, ये 3 वन जा, ये 3 0.1 जा, ठीक है, ये इतना तो कैंसिल हो गया। अब आप क्या करो, तो अब आप ये 89 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 बराबर, और नीचे ये 10 है ऑब्वियसली, इसे और फर्दर थोड़ा रिड्यूस करते हैं, तो 89 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 21, ठीक है, नीचे एक 0 10 था, और यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, और 3 आ गया, ठीक है। तो ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें पीछे से 4 पॉइंट शिफ्ट कर दो, 4 पॉइंट लगा दो, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सपोज़ आपका आंसर अगर आ रहा है बराबर, ऊपर मल्टीप्लाई किया 345, 3912, सपोज़ ऐसा आंसर आया, तो नीचे क्या है, 1 2 3 4, 4 0 है, तो ये 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अभी तो नहीं आएगा लेकिन ऐसा बोल रहा हूँ, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 345.3912 बराबर, पीछे से 4 के बाद पॉइंट आ गया, ये ग्राम हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में द डायमीटर ऑफ मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ, तो बच्चों ये गिवन है कि जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ का डायमीटर से, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है बच्चों। तो हमें या तो आप ये फाइंड कर लो, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ ये रेशियो, या वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून ये रेशियो फाइंड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सम है ना बच्चों, ये दिया है डी ऑफ मून इज 1/4 डी ऑफ अर्थ, बराबर है, जो मून का डायमीटर है अर्थ का 1/4 है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कहूँ बच्चों, डायमीटर ऑफ मून अपॉन डायमीटर ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू 1/4, ठीक है, यहाँ से मैं ये बात कह दूँगा। क्या किया हमने, इसको इधर रखा, इसको नीचे लेके आए, इसको इधर रखा, इसको नीचे लेके आए, ये 1/4 हो गया। अब मैं आपको एक बात समझा दूँ कि रेशियो ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रेडियस, अगर दो बॉडी का डायमीटर का रेशियो दिया है तो वही दोनों बॉडी का रेडियस का जो रेशियो होगा वो भी सेम होगा बच्चों, बराबर है। तो ये बात मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, क्या बता दिया, तो रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ विल अगेन बी 1/4, ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ विल अगेन बी 1/4, ठीक है। तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अब ये वॉल्यूम ऑफ मून का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर ऑफ मून का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर अर्थ का क्यूब, इजंट इट। तो इसके बाद ये 4/3 कैंसिल, ये पाई कैंसिल, क्या बचा बच्चों, आर ऑफ मून अपॉन आर ऑफ अर्थ द होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं, होल क्यूब, दैट इज व्हाट इज आर एम अपॉन आर ई 1/4, दैट इज 1/4 द होल क्यूब, दैट इज 1/64, तो इनका रेशियो क्या आ गया बच्चों, 1/64। और वहीं आपको अगर वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून पूछ दिया तो ये कितना आ जाएगा, 64/1, ठीक है, तो ये आपका दोनों ही रेशियो का आंसर हो गया, ठीक है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड, तो एक ये हेमिस्फेरिकल बोल है बच्चों, और सब में ये पूछा है कि इसका जो डायामीटर है
बराबर इसका जो डायामीटर दिया है वो दिया है 10.5 सेंटीमीटर। क्या दिया बच्चों? डायामीटर, डायामीटर दिया है। डायामीटर इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। तो ये कितना लीटर, ये कितना लीटर बराबर, कितना लीटर वॉल्यूम ये होल्ड कर सकता है बराबर, कितना लीटर मिल्क ये होल्ड कर सकता है, ये हमें फाइंड करना है। तो डायमीटर दिया तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका? आधा हो जाएगा 10.5 बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है वो भी लीटर में। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना है वो भी हमें किस में फाइंड करना है? तो हमें वॉल्यूम को लीटर में फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। तो सॉल्यूशन ये आपका हेमिस्फेरिकल बोले तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका? 2/3 πr³, दैट इज 2/3 × π का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 10.5 बाई 2 × 10.5 बाई 2 × 10.5 बाई 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से ये 2 और ये 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 11 हो जाएगा। ये तो क्लियर है चीज़। ठीक है, और बाकी कुछ 2 कैंसिल नहीं होगा। ओके, ये 7 1 और ये 105 अगर लेको तो 715 होता है, तो ये 1.5 हो जाएगा। ये 3 1 और ये 3 ये 0.5। ठीक है, तो इतना तक तो ये आपका कैंसिल हो सकता है। तो आगे बचा 11 × 0.5 × 10.5 × 10.5 होल अपॉन 4। तो ये सब जब आप मल्टीप्लाई करोगे और जब इसे आप डिवाइड कर लोगे बराबर, मल्टीप्लाई कर लोगे डिवाइड कर लोगे, जब सब काम आप ख़त्म कर दोगे तो आपका एक आंसर आएगा जिसका नाम होगा a cm³। ठीक है, सब मल्टीप्लाई करने के बाद और 4 को डिवाइड करने के बाद, ठीक है, तो आंसर आएगा a cm³। अब वॉल्यूम तो आपको लीटर में फाइंड करना है, तो जब a को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आएगा लीटर में। तो ये जब a को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आएगा लीटर में, तो आंसर आएगा आपका b लीटर। ठीक है बच्चों, सो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 में एक हेमिस्फेरिकल टैंक है और ये आयन से बना हुआ है और जो इसकी थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, ये थिकनेस, ये टैंक का जो थिकनेस है ना, ये वाला पार्ट, ये है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थिकनेस की बात हो रही है। ओके, और इनर रेडियस जो है, ये टैंक का इनर रेडियस, अंदर का रेडियस बच्चों, तो ये सेंटर होगा और ये सिर्फ अंदर का रेडियस यानी थिकनेस को लीव करके यहाँ तक, तो ये इनर रेडियस का वैल्यू जो है इन्होंने 1 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को लिखे अगर हम ये गिवन में, तो रेडियस इनर ये जो है कितना है, ये हमारा है 1 मीटर। थिकनेस टी कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस आउटर, बाहर का रेडियस कितना हो जाएगा, यानी ये थिकनेस और इसको लेके सबको, ये सब लेके ये कितना हो जाएगा, ये रेडियस आउटर, ये रेडियस आउटर हो जाएगा रेडियस इनर प्लस थिकनेस। ठीक है बच्चों, तो रेडियस आउटर हो जाएगा रेडियस इनर प्लस थिकनेस, दैट इज़ 1 मीटर प्लस, अब ये तो सेंटीमीटर में मीटर में है नहीं, तो इसे आप लिख सकते हो ऐसा 1/100 मीटर, दैट इज़ 0.01 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 1.01 मीटर, ये आपका आउटर रेडियस का वैल्यू रहेगा। ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आउटर रेडियस। अब हमें क्या फाइंड करना है? तो हमें फाइंड ढूंढ करना है ये कि वॉल्यूम ऑफ द आयन यूज टू मेक दिस, वॉल्यूम ऑफ आयन यूज टू मेक बोल, इस बोल बनाने के लिए कितना आयन यूज हुआ रहेगा वो बताना है बच्चों। तो कभी भी ऐसा पाइप हो या हेमिस्फीयर हो या सिलेंडर हो, अगर वॉल्यूम फाइंड करना है मटेरियल का वॉल्यूम जिससे वो बना है, तो वो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये होगा कि वॉल्यूम ऑफ आयन यूज्ड विल बी इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, इसका आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। अब हेमिस्फीयर है तो आउटर वॉल्यूम क्या होगा इसका? 2/3 πr³, आर आउटर माइनस 2/3 πr³। अब यहाँ से 2/3 और पाई कॉमन, अब अच्छा आर आउटर क्यूब माइनस आर इनर
क्यूब, ठीक है बच्चों, ये दोनों कॉमन ले लिया तो ये 2/3 इंटू ये हमारा 22/7 हो गया, ठीक है, इंटू अब यहाँ पर जो बचेगा बच्चों आर आउटर कितना है 1.01 द होल क्यूब माइनस आर इनर कितना है 1 का क्यूब, ठीक है। अब ये हमारा 44/21 हो जाएगा, करेक्ट, ये 44/21 और अंदर जो है ये जब इसका क्यूब निकालोगे 1.01 का तो ये 1.030301 होगा माइनस ये 1 हो जाएगा, तो ये 44/21 बचा इनटू ये सब माइनस करने के बाद ये आपने सब माइनस कर दिया तो आपका बचेगा 0.030301, ठीक है। और यहाँ से आपको मेहनत करके अब आपका फाइनल आंसर लेके आना है, ये आपको आएगा मीटर क्यूब में, ठीक है बच्चों। तो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयन यूज्ड। ऑल राइट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को एक स्फीयर दिया है, ये स्फीयर का रेडियस नहीं दिया है पर क्या दिया है, ये स्फीयर का सरफेस एरिया दे दिया है। तो गिवन में सरफेस एरिया जो है स्फीयर का, फॉर स्फीयर दिस सरफेस एरिया इज नथिंग बट 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सीधा पूछ रहा है कि भाई आप इस स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो फाइंड कीजिए, तो वॉल्यूम कितना होगा, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। अब हमें तो पता है कि अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, बराबर, ये हमें पता है कि अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो फॉर्मूला है स्फीयर का 4/3 πr³, यानी हमें कुछ होना हो हमें रेडियस तो चाहिए, यानी हमें इसका रेडियस फाइंड करना पड़ेगा हमारे स्फीयर का। तो हम स्फीयर का रेडियस कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, तो जो दिया है उसी को यूज़ करते हैं। तो सॉल्यूशन फॉर सरफेस एरिया इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन बात है। लेकिन स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया तो होता है शायद 4πr², 4π कॉन्स्टेंट है, r उसका रेडियस है, तो इसके जगह लिख देते हैं 4πr² इक्वल्स टू 154। देयरफॉर 4 × 22/7 × r² इक्वल्स टू 154, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमें r फाइंड करना है तो r को हम यही छोड़ देंगे, r स्क्वायर को। अब r स्क्वायर के साथ जो डिवाइड में था 7 वो जाके 154 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो r के साथ 22 और 4 मल्टीप्लाई में थे वो आके यहाँ पर डिवाइड में हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब 11 तो 2 टाइम्स आता है, 11 1 टाइम 15 में, और यहाँ 4 बचा 4 टाइम 14 टाइम, ठीक है, 2 जाता है बच्चों 1 टाइम और 2 जाता है 7 टाइम। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि r स्क्वायर जो है वो 49/4 हो गया, तो r क्या हो जाएगा, इसी का रूट हो जाएगा, √49/4, देयरफॉर r क्या हो जाएगा आपका 7/2, ये आपका रेडियस हो गया बच्चों, ये रेडियस मिल गया सेंटीमीटर में। अब आपने क्या फाइंड करना है उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है 4/3 πr³, दैट इज़ 4/3 × 22/7 × 7/2 × 7/2 × 7/2, तो ये 7 7 कैंसिल हो जाते हैं बच्चों यहाँ से, ठीक है, ये 2 2 और ये 4 कैंसिल, ये 2 1 सा, ये 2 11 सा, तो कुछ ऐसा बचता है आपका वॉल्यूम 11 × 7 × 7/3, ठीक है बच्चों। तो ये जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको चाहिए तो आप इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में एक डोम है, बराबर, बिल्डिंग का एक हेमिस्फेरिकल ऐसा डोम है, ऐसा डोम होता है, ठीक है बच्चों। अब इस डोम को हमें क्या करना है, हमें पेंट करना है। तो अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर फॉर्म में एक डोम है, ठीक है, एंड इसे हमें अंदर से, अंदर की तरफ से इसको पेंट करना है हमको, बराबर, अंदर की तरफ जो है ना इसका पूरा पेंटिंग कर देना है, इसका वाइट वॉश करना है, और उसका जो कॉस्ट आया, पूरा खर्चा आया बच्चों, वो आया 498.96 खर्चा आया, ठीक है। अच्छा, रेट जो दिया है यहाँ पर बच्चों, वो दिया है ₹2 per meter square, बराबर। हमें फाइंड करना है कि इनर कर्व सरफेस एरिया कितना है इस डोम का, यानी जो उस एरिया को आपने पेंट किया है, वो जिसको पेंट किया वही तो इनर कर्व सरफेस एरिया है, तो वो एरिया कितना है, और वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है, ये दो चीज़ फाइंड करना है।
ठीक है बच्चों, तो ये डोम का एरिया कितना है जिसको हम पेंट कर रहे हैं, यानी हम किसको पेंट कर रहे हैं, इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट कर रहे हैं, वो एरिया फाइंड करना है। और दूसरा फाइंड करना है ये कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इसके अंदर रह सकता है, यानी इसका वॉल्यूम कितना है वो फाइंड करना है। तो हम लोग कई बार बात करते हैं बच्चों कि जो हमारा कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट खर्चा, वो हो जाता है रेट इंटू एरिया। तो एरिया यहाँ पर कौन है, एरिया टू बी पेंटेड। ठीक है बच्चों, तो कॉस्ट है 498.96 इंटू रेट है 2 इंटू एरिया टू बी पेंटेड है इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इट इज़ इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बराबर बच्चों। अब इसे आप जब 2 से डिवाइड कर दोगे, जब ये 498.96 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा इनर कर्व सरफेस एरिया, ये वाला पार्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट टास्क है आपका वो है इसका वॉल्यूम फाइंड करना। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले हमें चाहिए रेडियस। रेडियस नहीं है, रेडियस के लिए हम इनर कर्व सरफेस एरिया यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πr². ठीक है बच्चों, तो ये 249.48 इक्वल्स टू 2 × 22/7 × r². तो r स्क्वायर कितना बच्चों, r जो है हमारा यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 249.48 × 7/2 × 22 = r² कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको इसको पूरा डिवाइड करना है। तो ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है बच्चों, जितना ये डिफ़िकल्ट दिख रहा है उतना डिफ़िकल्ट ये है नहीं, इसे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे, ये 22 को और ये 249 को, इसको जब हम कट करेंगे बच्चों, तो ये 11 से ईज़िली कट हो जाएगा। तो ये दिखा दूँ आपको, 249.48 ये यहाँ पर, देयरफॉर ये 249.48, ठीक है, इनटू हमारा क्या था, ये × 7/2 × 22 = r², ऐसा था। ठीक है बच्चों, तो ये देखो, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 249.48 × 7/2 × 22 × 100 इक्वल्स टू आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, क्या समझ में आया ना, ये पॉइंट था तो 2 पॉइंट नीचे कर दिया उसको। अब ये 2 goes 11 times या फिर 11 goes 2 times, बेटर क्या होगा, 11 goes 2 times। अब 11 यहाँ 24 में जाता है 2 बार, 29 में जाता है 2 बार, 29 में 2 बार, तो बचा कितना बच्चों, यहाँ से 29 में, ठीक है, तो ये 22 और 7 बराबर, तो ये 7 बच रहा है, तो यहाँ पर 6 times 66 और यहाँ पर 8 बच रहा है, तो ये 8, तो ये आपका 2268 × 7/2 × 2 × 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इतना बचा। अभी 2 1 ज़ा 2 1 1 3 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 1 ज़ा 7 ज़ा 5 1 7, देयरफॉर ये बचा हमारा 517 × 7/100 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, 1134 × 7/2 × 100 ये वाला देखते थे, एक बार और कर लेते, 2 1 ज़ा 2, इसमें 5 ज़ा 13 में 6 ज़ा और 7 ज़ा, तो 567 × 7/100 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जब से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आपको, तो ये आएगा 3969/100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जब इसका रूट लोगे ना बच्चों, रूट, तो 3969/100 इज इक्वल टू आर, तो ये इसका 3969 का रूट 63 और 100 का है 10 इक्वल्स टू आर, तो आर अपने को मिल गया कितना, 6.3, कितना मिल गया बच्चों, 6.3। अब फाइंड करना है क्या आपको वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपका 4/3 πr³, दैट इज़ 4/3 × 22/7 × 63/10 × 63/10 × 63/10, तो 3 1 ज़ा 3 21 ज़ा हो गया, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा हो गया।
ठीक है बच्चों, तो इतना तो कट हो गया। बाद में आप 4 × 22 × 3 × 63 × 63 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो और पीछे से तीन पॉइंट लगा दो, तीन के बाद पॉइंट लगा दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, यहाँ पर हमने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है, वो मिस्टेक से भी है बच्चों, यहाँ पर ये टू ले लेना। ठीक है, ये हेमिस्फीयर था, हमने स्फीयर मान लिया था, ये टू आ जाएगा और यहाँ पर ये आएगा टू। ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग विल बी करेक्ट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कैसा है कि ऐसे छोटे छोटे स्फीयर्स हैं जिनका रेडियस जो है रेडियस आर से डिनोट हुआ है और सरफेस एरिया को डिनोट उन्होंने एस से किया है। अब ये ऐसे कितने हैं, टोटल 27 है, तो 27 स्मॉल स्फीयर्स हैं और ये सब मिल के बना रहे हैं एक बड़ा स्फीयर जिसका रेडियस आर डैश है और सरफेस एरिया एस डैश है। ठीक है बच्चों, ऐसा हो रहा है, तो हमें क्या पता करना है, हमें ये फाइंड करना है कि ये जो आर डैश है वो कितना है, तो ये आर डैश जो बड़ा वाला स्फीयर बनेगा उसका रेडियस कितना होगा। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, इसका सरफेस एरिया अपॉन इसका सरफेस एरिया, इसका रेशियो क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि एस अपॉन एस डैश ये कितना आएगा आंसर, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ये बड़ा इजी समझ बच्चों, जब भी ऐसा कन्वर्जन होता है कि छोटे छोटे स्फीयर्स बड़े स्फीयर में कन्वर्ट हो गए, तो एक ही चीज़ कॉन्स्टेंट होगा, वो होगा बच्चों क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर विल बी इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर। ठीक है, क्योंकि स्मॉलर वाले कितने, 27 है ना, तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर इज 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर क्या होगा, ये होगा 4/3 पाई और आर डैश क्यूब, बराबर, क्योंकि उसका रेडियस आर डैश है, इज इक्वल टू ये 27 का 27 और यहाँ पर 4/3 पाई, ये सिर्फ आर क्यूब होगा क्योंकि इसका रेडियस छोटे वाले को आर है, यहाँ से 4/3 4/3 पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो ये आर डैश क्यूब इक्वल्स टू 27 इंटू आर क्यूब हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आर डैश द होल क्यूब हो जाएगा आपका, ये 27 को मैं 3 × r करके द होल क्यूब लिख सकता हूँ, तो ये 3 का क्यूब 27 हो गया, ये r का क्यूब r³ हो गया, यहाँ से क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया, तो r डैश मिल गया हमें 3 × r, तो r डैश बड़े वाले का जो रेडियस है वो 3 r, छोटे वाले का रेडियस का 3 टाइम्स हो जाएगा, किसका, बड़े वाले का रेडियस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r³ और ये हो जाएगा 4/3 पाई r³। ठीक है बच्चों, अब पीछे से आपको क्या मिला है, यहाँ पर देखो तो r डैश इक्वल्स टू 3 r ना, तो यहाँ से r डैश अपॉन r हो जाएगा आपका 3/1 और r अपॉन r डैश हो जाएगा 1/3। ये रेशियो याद रखो, यहाँ से r डैश अपॉन r 3/1 हो जाएगा, ये r को नीचे ले लिया तो, और अगर r अपॉन r डैश करना है तो क्या हो जाएगा वो 1/3। तो यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से आपका ये 4/3 4/3 π/ कैंसिल, तो ये बचा r अपॉन r डैश द होल क्यूब। अच्छा, r अपॉन r डैश क्या था, 1/3 था, 4/3 द होल क्यूब, यानी कितना हो गया 1/27, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/27। अच्छा, हमें वॉल्यूम का रेशियो, अगर ये वॉल्यूम का रेशियो होता तो ये वॉल्यूम का रेशियो होता, ठीक है, बट हमें वॉल्यूम का रेशियो नहीं फाइंड करना, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, 4π r² और ये 4π r² तो ये हो जाएगा 4 4 कैंसिल π π कैंसिल, r अपॉन r डैश द होल स्क्वायर और r अपॉन r डैश 1/3 है, तो 1/3 द होल स्क्वायर, डैट इज़ 1/9, तो ये सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर वॉल्यूम कभी कभी फाइंड करना तो ये एक्स्ट्रा हो गया, सपोज़ ये वॉल्यूम का रेशियो है अगर ऐसा समय आया तो। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें क्या है, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज़ इन द शेप ऑफ स्फीयर। ठीक है बच्चों, तो मेडिसिन का कैप्सूल है वो स्फीयर के शेप में है और उसका जो डायामीटर है वो 3.5 mm है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5/2 mm हो जाएगा, बराबर। हाउ मच मेडिसिन इज़ नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, तो मतलब कितना मेडिसिन लगेगा ताकि ये पूरा कैप्सूल फिल हो जाए, तो ये मेडिसिन कितना चाहिए, मतलब क्या फाइंड करना मालूम है, ये कैप्सूल का वॉल्यूम कितना है, पूरे कैप्सूल में जिसमें मेडिसिन फिल करें उसका वॉल्यूम कितना है, वो चीज़ फाइंड करना है। ठीक है बच्चों,
तो वॉल्यूम स्फेरिकल है तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज़ 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, और आर का जो वैल्यू है अभी हमने किया 3.5/2 × 3.5/2 × 3.5/2, 7 × 7 ये हो जाएगा हमारा 0.5 जा, ऑल राइट। और ये 2 2 और ये 4 कैंसिल, ये 2 से 11 हो गया, ये तो ये आपका कुछ 11 × 0.5 × 3.5 × 3.5 होल अपॉन 3, ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आ जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये a अपॉन 3 mm क्यूब, ऑल राइट, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम हो जाएगा किसका, वो कैप्सूल का जिसमें मेडिसिन फिल कर रहे हो, a अपॉन 3 mm क्यूब, ठीक है। ये ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई कर देना, अपॉन 3 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा।